हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूं आपके ही टेक्निकल चैनल टेक पॉइंट पे। दोस्तों, व्हाट्सएप के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं और उनके बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, उन्हीं में के कुछ फीचर्स जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो एक नया फीचर जो एक नए अपडेट में आने वाला है, यानी अपकमिंग फीचर है, काफ़ी बेस्ट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद एक फीचर जो है ये बहुत ही बेस्ट व्हाट्सएप के अंदर है। ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई एक एक्सवाइजेड पोस्ट को आपने किसी ग्रुप में डाला, ग्रुप में डालने के बाद हमें पता नहीं होता है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर है उनमें से किन लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ा है, किन लोगों को ये डिलीवर्ड हुआ है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ग्रुप में नहीं पता होती है। नॉर्मली यहाँ पर जो जो ब्लू स्टिक होता है, ब्लू जो टिक होता है, इसके जरिए हम समझ पाते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने, यानी अगर आप इंडिविजुअल चैट की बात करें तो यहाँ पर हम इन टिक्स को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसे पढ़ा है या नहीं, उस पर्टिकुलर पोस्ट को रिसिपिएंट ने पढ़ा है या नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ग्रुप में अगर किसी चीज़ को हम शेयर करते हैं तो ये कहाँ पता चलेगा, ये भी आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो फीचर है फिलहाल जिसके बारे में जो अपकमिंग फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कुछ जनरल सी चीज़ें। दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ये हमेशा स्टेबल नहीं होता है, इसे कंटिन्यूअसली डेवलपर जो है ये डेवलप करते रहते हैं। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि आए दिन व्हाट्सएप में, फेसबुक में या जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उसके अपडेट्स जो है वो प्ले स्टोर की तरफ से हमें दिए जाते हैं, या जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ से उस पर्टिकुलर अपडेट को हमारे लिए अवेलेबल कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो, जैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं कि नॉर्मली जिन्हें हम बीटा वर्जन कहते हैं, तो ये टेस्टिंग के अंदर होता है, अंडर प्रोसेस होता है। जैसे व्हाट्सएप के डेटा बीटा वर्जन की अगर बात की जाए, जैसे फिलहाल मेरे पास व्हाट्सएप का बीटा वर्जन है, तो जब भी कोई एक फीचर जो आगे के अपडेट में आने वाला होता है उस बीटा वर्जन में पहले से आ जाता है, तो उसको हम टेस्ट करके उसका फीडबैक जो है कंपनी को दे सकते हैं ताकि और कुछ इम्प्रूवमेंट कंपनी की तरफ से उसमें हमारे लिए किए जाए। जो भी उसके अंदर हमारे एक्सपीरियंस है, चाहे वो हमें अच्छा लग रहा है या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो सजेशन हम फीडबैक के जरिए जो है इस बीटा वर्जन में हम दे सकते हैं। तो ये बीटा वर्जन होता है, यानी कोई अपकमिंग फीचर भी हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। वैसा ही एक फीचर जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है कि हम हमारे जो वॉइस रिकॉर्ड होता है व्हाट्सएप में, जैसे हम जानते हैं कि हम टेक्स्ट जो है वो बाय टेक्स्ट भी हम चैटिंग कर सकते हैं, यानी टाइप करने के बाद हम जो है मैसेज को सेंड करते हैं, सामने वाला रिप्लाई देता है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर माइक का साइन दिया रहता है, यानी आप ऑडियो चैट कर सकते हैं। ऑडियो चैट मीन्स जैसे हम जानते हैं कि माइक का जो साइन होता है उसे हम प्रेस एंड होल्ड दबा कर रखते हैं और कुछ बोलते हैं तो वो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड होता है और सामने वाले को पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसको हैंडल करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर एक अपडेट लॉन्च किया है। ये अपडेट मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वीडियो में बताने वाला हूँ, आप बने रहिए इस वीडियो में। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर ये फीचर जो है ये क्या है, यानी आप बगैर होल्ड किए, जैसे अगर आप यहाँ पर इसे आप लॉक करना चाहो तो आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। यानी नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम किसी से ऑडियो चैट कर रहे हैं और हमने एक जैसे फॉर एग्जांपल थम्स से अगर उस माइक के साइन को प्रेस करके रखा है तो उस पर्टिकुलर मतलब जो हमारा एक हाथ है वो वहां पर बिजी हो जाता है और उसके उसको जब तक कि हम जो है दबा के रखेंगे तभी रिकॉर्ड होता है। जैसे हम उसको हमारे थम को उस माइक के साइन से उठाते हैं तो वो रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद व्हाट्सएप ने जो है हमारे लिए एक नया अपडेट लाया है कि अगर आप इसे टैप करके ऊपर की तरफ इसे स्लाइड करोगे, दो तरफ स्लाइड आप कर सकते हो इसे, तो बेसिकली लॉक और अनलॉक के लिए आपको ऊपर की तरफ इसे स्लाइड करना है। नॉर्मली यहाँ पर जो माइक का साइन है उसे आप जो है किसी भी फिंगर से या थम से आप उसको प्रेस एंड होल्ड देन स्लाइड आउट, तो जैसे आप उसे अप करोगे तो वो लॉक हो जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पर लॉक होने के बाद जो है आपका थम उस पे से उठा भी लेते हो तो भी रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली शुरू होता है। तो ये एक फीचर जो है ये अगले अपडेट में हमें रिसेंटली जो है वो जल्दी ही टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद और कुछ बग्स वगैरह निकाल देने के बाद जो है हमारे लिए अवेलेबल हो ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसे माइक के साइन को टैप करके रखते हो और लेफ्ट की तरफ इसे अगर आप ड्रैग करोगे तो ये कैंसिल भी कर सकते हो, यानी बाय मिस्टेक लेकर प्रेस हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि जैसे अगर आपने टैप किया तो टैप करने के बाद ये कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होकर डायरेक्टली सेंड हो जाता था,
तो ये तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर फीचर जो थोड़ा सा बैड फीचर था, ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम चाहे कि हम रिकॉर्डिंग जो किसी को सेंड करना नहीं चाहते हैं, रिकॉर्ड तो हमने माइक पर तो टैप कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये तो इसे अब तो कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मल यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ने फीचर को लाया है कि अब माइक के साइन को टैप करने के बाद ऊपर की तरफ स्लाइड करके इसे आप लॉक कर सकते हो, रिकॉर्डिंग शुरू रहेगा। आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद जो है इसे आप अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहें तो वहां पर जो है वो कंप्लीट का भी एक साइन होता है, एक स्टॉप कैंसिल का साइन होता है। तो नॉर्मल यहाँ पर रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेने के बाद जो है फिर वो रिकॉर्डिंग जो आपका जो है वो किसी को सेंड होगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम चाहते हैं कि टैप किया हमने और टैप करने के बाद उसे हम जो है वो किसी को सेंड ना करें, तो टैप करने के बाद उसे आप लेफ्ट में स्लाइड कर लीजिए। तो लेफ्ट में स्लाइड करने के बाद वो हमारा रिकॉर्डिंग जो ऑडियो है हमारा, तो वो पर्टिकुलर ऑडियो जो है वो किसी चैट को किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेंड नहीं होगा। तो ये एक फीचर जो है यहाँ पर इसके अंदर कंपनी ने ऐड किया है। तो दोस्तों ये दो फीचर फिलहाल मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, दोनों के बारे में जो फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में इस वीडियो में बताया है। तो प्रैक्टिकली इसे हम चलिए देख लेते हैं और व्हाट्सएप में ही इसे समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद किसी भी चैट को मैं ओपन कर लेता हूँ और फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैं माइक लॉक का जो फीचर है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम माइक के साइन को होल्ड करते हैं और हम देख सकते हैं जैसे हमने होल्ड किया है तो ये दो ऑप्शन हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसे हम जो है ऊपर की तरफ जो है स्लाइड करके इसे हम लॉक कर पाएंगे और उसके बाद जो है अभी यहाँ फिलहाल जो है रिकॉर्डिंग शुरू है। और उसके बाद इन केस अगर मैं चाहता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग है वो कैंसिल हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर कैंसिल का साइन बटन जो बटन है वो हम देख सकते हैं, यहाँ टैप करने के बाद ही कैंसिल हो जाता है, मीन्स वो सेंड नहीं होगा, वो जो रिकॉर्ड हुआ था वो डिलीट हो गया है। लेकिन इन केस अगर हम चाहते हैं कि उसे हम सेंड करें तो यहाँ पर हम चलिए इसे टैप करते हैं। टैप करने के बाद अभी मैंने इसे प्रेस करके रखा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जो है वो लॉक कर दूँ तो ऊपर की तरफ हम स्लाइड करेंगे तो ये लॉक हो गया है। और फिलहाल मैंने इसके ऊपर से मेरा थंब जो है वो उठा लिया है और फिलहाल ये रिकॉर्डिंग जो शुरू है। और जैसे मैं इसे सेंड करता हूँ, इनकेस अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सेंड कर दूँ तो यहाँ पर हम नॉर्मली सेंड के बटन पर टैप कर देंगे। तो जैसे हम सेंड करेंगे तो यहाँ पर जो ये सेंड हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो मेरे सेंड करने के बाद जो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया तो उसका एक रीज़न है कि जो मैं रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ तो ये एक मोबाइल का एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से वो ऑडियो फिलहाल रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन आप इसे करके देखिए 101%। इनकेस अगर आप बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हो अभी तो आपको ये डेफिनेटली और अपडेटेड है और नया अपडेट अगर आपके पास आ चुका है तो नॉर्मली यहाँ पर ये फीचर आपके यहाँ पर भी वर्क करेगा। दोस्तों बहुत ही काम का फीचर है और इससे हमारा काफ़ी जो है वो टाइम बच जाएगा, एक हाथ हमारा फ्री हो जाएगा जिसको प्रेस करके हमने जिसके जरिए हमने प्रेस करके रखा था उस माइक को, उसके जरिए हम दूसरा भी कोई काम कर पाएंगे ना, हमारा थोड़ा सा हैंडलिंग जो है वो व्हाट्सएप पर और इजी होने वाला है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर हमें देखना है तो वो ये है कि हम अगर किसी पोस्ट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ग्रुप में ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक ग्रुप को मैंने ओपन किया, कुछ चैट मैंने यहाँ पर शेयर की है पहले, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये चैट जो है वो किन किन लोगों ने देखी है वो मुझे नज़र आए तो इसे हम टैप करते हैं। जैसे हम टैप करते हैं, टैप करने के बाद हम राइट साइड में टॉप पे 3 डॉट्स हम देख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमें आना होता है इन्फो पे। जैसे हम इन्फो पर टैप करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर जो हमारा इस पर्टिकुलर पोस्ट का इन्फॉर्मेशन है वो हमें नज़र आएगा कि किसने इसे रीड किया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर रीड बाय यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रहा है और इसके बाद जो है डिलीवर्ड टू मतलब किसे किसे डिलीवर्ड हुआ था, मीन्स उस पर्टिकुलर ग्रुप में इस पोस्ट को कितने लोगों ने पढ़ा और कितने लोगों को वो डिलीवर्ड हुआ तो ये भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप्स में फिलहाल मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, यानी यहाँ पर ग्रुप में हम देख सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल चैट में तो जो टिक होता है ब्लू टिक इसको देखकर हम समझ जाते हैं कि नॉर्मल यहाँ पर उसे रिसिपिएंट ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ग्रुप में हमें देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो एकदम आसान सा है, सिंपल हमें किसी पर्टिकुलर चैट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर उसे टाइप करने के बाद इसकी इन्फो सॉरी जो जो पोस्ट आपने किया है उसी को आप देख सकते हो, ये फिलहाल किसी और की है। तो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन कोई भी ग्रुप जो हमने चैट की, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि इसे देखूं तो टैप कीजिए, सिंपल आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो है ये हमें इन्फो में आना है, ये उन्हीं चैट्स का आप देख सकते हो जिनको आपने शेयर किया था, किसी और का शेयर किया हुआ अगर है वो ग्रुप में तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं देख पाओगे। तो ये चीज़ थी, ये दो चीज़ें जो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। तो दोस्तों इसे इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए और इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, लाइक करने में हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय एंड टेक केयर।